हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गर्मियों को भगाने के लिए ठंडा ठंडा लेमन जूस और गुड़ का शरबत। और अभी हम शुरू करते हैं। पहले हमें कांच के बाउल में नींबू के छोटे छोटे पीस करके डाल देने हैं। आधा नींबू का पीस बहुत हो गया। अब उसमें थोड़े पुदीना डाल देंगे और फ्रेश मिंट और लेमन को हमें बेलन से या फिर कुछ हैवी चीज़ से ऐसे क्रश कर देना है। हमें इसको पीसना नहीं है। इसके कारण नींबू का जूस और नींबू के छिलके का भी थोड़ा टेस्ट आ जाता है, पुदीना का भी टेस्ट आ जाता है। उसको एक दो मिनट कूटने के बाद अब हम उसमें ये जो पल्स वाली गोली बाहर मिलती है ना, एक एक रुपये में, उसको कट करके उसके पाउडर बना लेना है। और उसका पाउडर हमें उसमें एक चम्मच डाल देना है। आप टेस्ट अनुसार ज़्यादा कम सब सामान कर सकते हैं। अभी उसमें थोड़ा नमक डालना है, थोड़ा काला नमक डालना है और उसमें आधा नींबू का रस डालना है। अब हम उसमें हमारे पास जो लिमका या फिर स्प्राइट होती है वो डाल देंगे, या फिर आप कोई भी सोडा डाल सकते हो। अगर आप सोडा डालते हो तो उसमें आधा चम्मच पिसी हुई चीनी भी डाल दीजिए, क्योंकि सोडा में तो कोई टेस्ट होता नहीं है। स्प्राइट और लिमका ऑलरेडी पहले से शुगर वाली होती है, इसलिए मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है। सब चीज़ को मिला लीजिए। अब उसमें हमें थोड़ा आइस डाल देना है। सामान आप अपने पसंद से थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि शरबत सबके टेस्ट अलग अलग अनुसार बनते हैं। मुझे थोड़ा मीठा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा मीठा ही रखा है। आप आपके पसंद के और टेस्ट के अनुसार सब चीज़ डाल सकते हैं। लीजिए, हमारा लेमन जूस बनके तैयार है। उसमें हम नींबू की स्लाइस रख देंगे और दो तीन पुदीने के पत्ते रख देंगे। ये लीजिए हमारा पल्स की एक रुपये की गोली वाली एकदम सुपर टेस्टी और एकदम गर्मियों को भगाने के लिए ठंडा ठंडा जूस। आप इसको बनाइए और अपने फ्रेंड्स को भी पिलाइए, वो पी के फिर तरोताज़ा हो जाएगी। अब हम बना रहे हैं गुड़ का शरबत। उसके लिए हमें एक पैन में एक गिलास पानी डालना है और उसमें हमें गुड़ को थोड़ा क्रश करके डाल देना है। आप इसकी भी क्वांटिटी आपके अनुसार रख सकते हैं, ज़्यादा कम बना सकते हैं। इतने सामान से मेरे लिए दो ग्लास हो जाएगी। अब उसको गर्म कर लेंगे। सिर्फ हमें गुड़ को पिघलाना है, कोई बॉईल वगैरह आने नहीं देना है। एक मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और बैटर ठंडा हो जाएगा तो उसको छान लेंगे। फिर उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अभी जो गुड़ का पानी बनाया था उसको हम एक ग्लास में दो या तीन चम्मच डाल देंगे। ये भी आप आपके टेस्ट के अनुसार बना सकते हैं, क्योंकि गुड़ का पानी मीठा होता है तो हमें इसमें कुछ भी शुगर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये डाइट करने वालों के लिए तो एकदम अच्छी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। अब हम उसमें थोड़ा सादा नमक डाल देंगे, थोड़ा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा भुना जीरा पाउडर हम डाल देंगे। अब सब चीज़ को हम मिला लीजिए, क्योंकि हमने इसमें शुगर डाली नहीं है तो ये फटाफट से सब मिक्स हो जाएगा। अब उसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने के बाद हम उसमें दो तीन आइस क्यूब डाल देंगे। अब सब मिला लेंगे। लीजिए, हमारा होम मेड शुगर केन जूस बनके तैयार है, या फिर आप उसको गुड़ का शरबत भी बोल सकते हैं। इसका टेस्ट हमें जैसे बाहर मिलता है ना शुगर केन का जूस, सेम वैसा ही आता है। एक दो पुदीने की पत्ती लगा के आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। और लीजिए, ये है हमारा होममेड शुगर केन जूस। आप उसको बनाइए, पीजिए और गर्मियों में ठंडियों का मज़ा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।